छोटी मूर्ति बनाई है सबसे छोटी मूर्ति बनाई है जिसके लिए उसे लिमका बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में उसका नाम मेंशन किया गया है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करता है ये आप लोगों को बताना है ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि दुनिया का सबसे स्टैचू बनाने वाला ऊपर से ये यंग बॉय मतलब लगभग बारह तेरह साल का होगा तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए अंकुश तो ये कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है दुर्ग बिलासपुर रायपुर या रायगढ़ आप लोगों को इसका जवाब देना है ये कौन सा है इसका होगा दुर्ग. ए, दुर्ग. आगे चलते हैं विच ऑफ सॉरी विच ब्रेल प्रेस ऑफ छत्तीसगढ़ हैज बिन अकॉर्डेड विद इंडियाज टॉप पोजिशन मतलब छत्तीसगढ़ के किस ब्रेल लिपि जो प्रेस है उसे शीर्ष रैंक प्राप्त हुआ है भारत देश में बिलासपुर ब्रेल लिपि प्रेस या फिर रायपुर ब्रेल प्रेस या जगदलपुर ब्रेल प्रेस या फिर रायगढ़ ब्रेल प्रेस तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन नंबर ए बिलासपुर ब्रेल प्रेस ठीक है फैक्चुअल डेटा है इंपॉर्टेंट है याद रहना चाहिए आगे चलते हैं विच हिंदी मूवी ऑफ छत्तीसगढ़ रिसीव्ड द बेस्ट अवार्ड इन जे आई एफ एफ जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में छत्तीसगढ़ के किस छत्तीसगढ़ के किस हिंदी पिक्चर को हिंदी मूवी मतलब छत्तीसगढ़ में बनी हुई हिंदी मूवी छत्तीसगढ़ में बनी हुई हिंदी मूवी को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है जयपुर के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में उस मूवी का नाम क्या है ऑप्शन नंबर ए भूलन द मेज ऑप्शन नंबर बी सम ऑप्शन नंबर सी एक्सीजेंसी ऑप्शन नंबर डी कोटप्पा बताएंगे इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी सॉरी ऑप्शन नंबर बी फोर सम फोर सम वो हिंदी मूवी है छत्तीसगढ़ में निर्मित जिसे जयपुर के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट मूवी बेस्ट फिल्म का अवार्ड प्राप्त हुआ है आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा हु अमंग्स द फॉलोइंग आर द मेजर रिसिपेंट्स ऑफ स्टेट ब्रेवरी अवार्ड ऑफ छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ऑन 26 जनवरी 2022 तो 2022 26 जनवरी को वीरता राजकीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित कौन कौन व्यक्ति हैं ठीक है ऑप्शंस देखते हैं हम पहला ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए अमन ज्योति जाहिरे दूसरा है शौर्य प्रताप चंद्राकर तीसरा है कुणाल साहू चौथा है सृष्टि नेताम तो आपको ऑप्शंस देखने हैं पहला ऑप्शन है आपका ओनली ए अमन ज्योति जाहिरे ऑप्शन नंबर बी है ए एंड बी अमन ज्योति जाहिरे और साथ में है शौर्य प्रताप चंद्राकर ऑप्शन सी है ए बी सी कुणाल साहू भी ऐड कर दिए हैं और ऑप्शन फोर है ऑल ऑफ द अबव आप देख रहे होंगे अभी जो क्वेश्चन जिन पैटर्न में बन रहे हैं उसी पैटर्न में आपको यहाँ पे क्वेश्चन की कोशिश कर रहा हूँ होपफुली आपको कोई ना कोई क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में टकरा जाएगा ठीक है इसलिए इसको काफी गौर करके देखेंगे और इसको लगा लेंगे स्टार मा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टेट ब्रेवरी अवार्ड जो अभी मिला है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू ए एंड बी अमन ज्योति जाहिरे जो कि कोरबा से हैं उन्हें मिला है और दूसरे हैं आपका शौर्य प्रताप चंद्राकर आई थिंक ये धमतरी से हैं। आप लोग एक बार फैक्ट इसका क्लियर कर लेंगे या फिर मैं तो कुछ देर में इसका फैक्ट क्लियर करके आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दूंगा ठीक है आगे चलते हैं आकर्षी कश्यप आकर्षी कश्यप हैज बिन सेलेक्टेड फॉर इंडियाज नेशनल टीम टू विच स्पोर्ट्स शी बिलोंग आकर्षी कश्यप को हाल ही में राष्ट्रीय टीम में सेलेक्ट किया गया है वो किस खेल से संबंधित हैं? इसका जवाब आप लोगों को देना है इसका जवाब क्लियर कट हो जाएगा डी ऑप्शन नंबर डी बैडमिंटन ठीक है आगे चलते हैं आकर्षी कश्यप बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस आकर्षिक कश्यप आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो उन्हें हाल ही में नेशनल टीम में नेशनल जो बैडमिंटन टीम है हमारी उसमें सेलेक्ट किया गया है तो आकर्षित कश्यप बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस दुर्ग बिलासपुर राजनांदगांव या फिर सुकमा आपको इसका जवाब देना है इसका आंसर क्लियर कट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दुर्ग ठीक है आगे चलते हैं अब आकर्षी कश्यप कितनी इंपॉर्टेंट है आपको अगले क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा वॉट इज द वर्ल्ड रैंकिंग ऑफ स्टार बैडमिंटन प्लेयर ऑफ छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ की आकर्षी कश्यप का दुनिया में वर्ल्ड रैंकिंग उनकी क्या है सिक्सटी सिक्स सेवेंटी सिक्स एटी या फिर नाइन्टी सिक्स ये ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और जैसे मैं वो वाले क्वेश्चन को उम्मीद कर रहा हूं कि वो आएगा आपके कभी ना किसी, किसी न किसी आने वाले तीन एग्जाम्स में वैसे ही दूसरा मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ इसका आंसर है सेवनटी सिक्स और ये स्टार मार्क कर लीजिएगा ये बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगे चलते हैं छत्तीसगढ़ का फिर से एक क्वेश्चन आ गया यहाँ पे वॉट इज करिया झिनी इन छत्तीसगढ़ करिया झिनी क्या है छत्तीसगढ़ में करिया झिनी किसे कहा जाता है अगर आप में से किसी को पता होगा तो कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर दीजिएगा इसका आंसर मैं आपको लास्ट में दूंगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम्स में आपको पता है हाल ही में जो राजभाषा आयोग है उसकी संगोष्ठी हुई है इन्होंने मानकीकरण जो छत्तीसगढ़ भाषा है उसके मानकीकरण के लिए इन्होंने अपनी एक कमेटी बिठा ली है और काम जोरों शोरों से चल रहा है ठीक है तो ये करिया झीनी छत्तीसगढ़ी में क्या है इसका आंसर आप देंगे मुझे कमेंट सेक्शन में मैं आपको बता दे रहा हूँ ब्लैक ग्रास ऑफ नॉर्दर्न हिली रीजन जो उत्तरी हमारे पर्वतीय क्षेत्र हैं उसमें पाए जाने वाली एक काली घास है या फिर ऑप्शन बी ब्लैक ग्राम काला चना है या ऑप्शन नंबर सी है आपका ब्लैक राइस या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका ब्लैक सॉइल ऑफ साधन छत्तीसगढ़ दक्षिणी छत्तीसगढ़ में पाया जाने वाला काला काली मिट्टी है या फिर काला चावल है या काला चना है या फिर उत्तरी जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उनमें पाए जाने वाला काला घास है ठीक है इसका आंसर मैं आपको लास्ट में दूंगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं वेन वॉज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्टिफाइड राइस स्टार्टेड इन छत्तीसगढ़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए फर्स्ट अक्टूबर 2021, हजार इक्कीस फर्स्ट नवंबर टू 1 दिसंबर 2021 या फिर 1 जनवरी 2022 फॉरटिफाइड राइस का डिस्ट्रीब्यूशन छत्तीसगढ़ में कब से शुरू हुआ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको आपको पता होना ही चाहिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1 नवंबर 2021 आपको पता है खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम लाने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य था और उसी को हम निरंतर उसमें विस्तार करते हुए अब जो फोर्टिफाइड चावल है उसको भी हम अपने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिसको पी बोला जाता है उसमें हम इंक्लूड करना चालू कर चुके हैं जिससे कि जो न्यूट्रिशनल डिमांड्स है हमारे छत्तीसगढ़ में लोगों की उसमें निरंतर वृद्धि होती जाएगी ठीक है तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में मिलने से फायदा ये होगा कि एक तो आपको बहुत ही कम दाम पे मिलेगा ऊपर से जो अंत्योदय अन्न अंत्योदय राशन कार्ड धारी हैं या एकल निराश्रित कार्ड धारी हैं छह प्रकार के राशन कार्ड धारी हैं हमारे छत्तीसगढ़ में उन सभी को तो इनका बेनिफिट होगा हो ही होगा साथ में जो आम जनता है उसको भी काफी फायदा होने वाला है हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में विच इंडियन स्टेट बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू फॉर्म अ ग्रीन काउंसिल ग्रीन काउंसिल का गठन करने वाला भारत का ऐसा कौन सा स्टेट है छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश राजस्थान या सिक्किम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आप उम्मीद कर सकते हैं आने वाले किसी न किसी एग्जाम में आपको मिल जाएगा इसका आंसर होगा सी छत्तीसगढ़ तो छत्तीसगढ़ यानी हम हमारा जो गवर्नमेंट है वो पूरे देश का पहला स्टेट बन गया है जो ग्रीन काउंसिल को गठन कर चुका है अब ग्रीन काउंसिल आखिर है क्या <coughs> हमारा जो इकोनॉमी है छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी है उसमें हम अब से प्रायोरिटी हालांकि हम हमेशा से प्रायोरिटी देते आए हैं आपके जो एनवायरमेंट एंड एन इकोलॉजी वाला पार्ट होता है उसमें हम कोशिश करते हैं कि हमारे जो भी इकोनॉमी में हमारे जो गतिविधियां हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी उन सब को हम ऐसे बैलेंस करें ताकि हमारे एनवायरमेंट में ज्यादा इफेक्ट ना हो और अगर कहीं पे एनवायरमेंट में इफेक्ट हो रहा है तो हम उसके लिए कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन uh, भी करते हैं तो हमारा जो इकोनॉमी है उसमें हम जो रीजेनरेटिव अपना डेवलपमेंट मानते हैं रीजनरेटिव डेवलपमेंट का मतलब ही यही होता है कि अगर हमारे हमारे किसी एक्शन से एनवायरमेंट पे या फिर इकोसिस्टम पे कोई असर पड़ रहा है तो हम उसको रीजनरेट करेंगे तो उसको हम बोलते हैं स्टेट का रीजनरेटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम और साथ में हम चाहते हैं एक ग्रीन सस्टेनेबल इकोनॉमी डेवलप करना हमारी तो ये सब उसका रीजन है ग्रीन ग्रीन काउंसिल काउंसिल डेवलप करने का या का या जो गठन किया गया है हमारे स्टेट में उस पर मेन्स का एग्जाम होगा वहां पे आप इसको यूज कर सकते हैं आप बता सकते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है वो ना केवल पीपल सेंट्रिक या फिर डेवलपमेंट सेंट्रिक है बल्कि हमारी जो इकोनॉमी uh, है और जो हमारे इकोनॉमिक जो इकोनॉमिक हमारे बोलने चाहिए हमारे जो प्लानिंग्स हैं वो सारी चीज़ें सिर्फ डेवलपमेंट सेंट्रिक ना हो करके हमारे एनवायरमेंट सेंट्रिक भी हैं तो हम एक अच्छा सामंजस्य बैलेंस बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं ठीक है इस चीज को आप यूज कर सकते हैं कि इंडिया में पहला स्टेट छत्तीसगढ़ बना है जहाँ पे ग्रीन काउंसिल का गठन किया गया है ठीक है अगर आप बोलेंगे तो इसमें एक डिटेल्ड एक पूरी पूरा डिटेल्ड मैं इसमें एक वीडियो बना सकता हूँ अगर आप को इच्छा होगी आप लोगों को ऐसा लगेगा कि आपके मेंस में ये काम आएगा तो मैं इस ग्रीन काउंसिल के ऊपर एक डिटेल वीडियो बना करके आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा अपने इस चैनल में ठीक है आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस हैज बीन मार्क्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एज पोटेंशियल यूरेनियम रिजर्व इन छत्तीसगढ़ अभी हमने जस्ट पिछले ही क्वेश्चन में ये बात की है कि हम जो हैं अपने इकॉनमी को हम बैलेंस करके चल रहे हैं हम डेवलपमेंट के साथ साथ जो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो हम कर ही रहे हैं साथ साथ हम अगर रीजनरेटिव प्रोग्राम्स भी अपने इकोनॉमी में ला रहे हैं इसका मतलब है कि हम चाहते हैं हमारे सारे आयामों को पकड़ करके चलना ना केवल डेवलपमेंट बल्कि साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि हमारा जो एनवायरमेंट है वो भी उसमें प्रोटेक्ट होता चले बैलेंस बनता चले उसी कड़ी में आप ये देखिए हमारे जो आ, हमारे स्टेट में यूरेनियम के रिजर्व भी पाए गए हैं यूरेनियम मतलब आपका न्यूक्लियर एनर्जी सीधी सीधी और आपको पता है न्यूक्लियर एनर्जी हमारे बहुत बड़े सेक्टर जो थर्मल सेक्टर है हमारा पावर जनरेशन का उसको ओवर करने का ताकत रखता है न्यूक्लियर एनर्जी अगर हम अपने न्यूक्लियर एनर्जी को सही से आ, उसका यूज कर सकें तो हो सकता है आगामी कुछ वर्षों में फिर हमें कोल का जो उत्खनन है वो जिस लेवल का आज हो रहा है जिसपे जितना हमारा उसमें इकोनॉमी वेस्ट हो रहा है वेस्ट नहीं बोलना चाहिए क्योंकि वो अल्टीमेटली पावर जनरेशन में यूज हो रहा है लेकिन फिर भी वो एनवायरमेंटल पोल्यूशन तो क्रिएट कर रहा है अगर हम अपने न्यूक्लियर जो हमारी रिसोर्सेज uh, हैं उसको हम सही से पुश कर सकें तो वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा और इसी इसी कड़ी में देखिए uh, आगे इसके बारे में डिस्कस करते हैं क्योंकि पिछले पांच सालों में जो केंद्र सरकार है उसने पूरे देश में दस यूरेनियम के रिजर्व को नोटिफाई किया है या फिर बोलना चाहिए उसे चिन्हांकित किया है जहां से हम यूरेनियम रॉ मटेरियल की तरह वहां से उत्खनन कर सकते हैं और फिर हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में वो यूज किया जा सकता है उस कड़ी में हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसा कौन सा जगह है जहां पे यूरेनियम के रिजर्व्स को पोटेंशियल माना गया है जो यूज किया जा सकता है इसका आंसर देंगे आप लोग ऑप्शन नंबर ए है तातापानी बलरामपुर ऑप्शन बी है जजावल सूरजपुर ऑप्शन सी है मांड रिवर बेसिन ऑप्शन डी है केलो रिवर बेसिन देखिए ऑप्शंस आपके ऐसे ही आएंगे जो आपको दो ऑप्शंस आप जिसमें एलिमिनेट कर सको आपको पता है रिवर बेसिन में यूरेनियम के रिजर्व्स नहीं हो सकते क्योंकि यूरेनियम जो है एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है अगर वो किसी नदी में वो उसका पोटेंशियल रिजर्व होगा मतलब वो पूरे नदी के पानी में ही आप उसका रेडियो एक्टिविटी जो है वो फैल जाएगी तो आपको आप ये आप ये ये चीज है वहां पे दोनों ऑप्शंस को कैंसिल कर सकते हैं कि रिवर तो इसका ऑप्शन नहीं होगा लेकिन ऊपर के दो ऑप्शंस में जब तक आपको एग्जैक्टली exactly पता नहीं होगा तब तक आप आंसर नहीं कर पाएंगे तो इसका आंसर है जजावल सूरजपुर जजावल सूरजपुर वो क्षेत्र है हमारे छत्तीसगढ़ का जिसको पोटेंशियल रिसोर्स यूरेनियम रिजर्व के रूप में चिन्हांकित किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा ठीक है ये आप अपने मेंस के आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं देखिए हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज अभी चालू होने वाले हैं जैसा आपको पता है रिजल्ट आ ही चुका है हमारे यहाँ मेंस का टेस्ट सीरीज हम चालू करने वाले हैं साथ में हम आपको ब्रीफ भी करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको आप अपने आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं है ना तो ये सारी चीजों को आपको समझ के चलना है कि कौन कौन सी चीजों को आपके आंसर राइटिंग के लिए निकालना है और जो वन डे एग्जाम्स है उनके लिए तो इंपॉर्टेंट है, है ही है अगला क्वेश्चन देखते हैं थिंक फॉर द रिवर्स नदियों के लिए सोचो इज द कलेक्शन छत्तीसगढ़ी पोएट नदी के लिए सोचो ये किस की रचना है त्रिलोचन महावर नरेंद्र देव वर्मा पंडित लोचन प्रसाद पांडे या फिर पंडित मुकुटधर पांडे तो इसका डायरेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए त्रिलोचन महावर त्रिलोचन महावर जो है हाल ही में इन्होंने अपनी इस किताब का विमोचन भूपेश बघेल के द्वारा करवाया है इस किताब का नाम है थिंक फॉर द रिवर्स जिसका हिंदी में अनुवाद होगा नदी के लिए सोचो अगला क्वेश्चन देखते हैं छत्तीसगढ़ फर्स्ट फोर लेन टनल इज बी कंस्ट्रक्टेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग द्लेस वेरी इंपॉर्टेंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट आपके आने वाले क्वेश्चन एग्जाम्स हैं उनमें ये क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा इसके लिए मैं दावा करता हूँ आपको ये देखने मिलेगा क्यों करता हूँ क्योंकि आपको पता होगा भारतमाला जो प्रोजेक्ट हमारे यहाँ चल रही है पूरे देश में जो हमारे मेजर सिटीज को कनेक्ट कर रही है उसी कड़ी में हमारा रायपुर जो है उसको विशाखापट्टनम से कनेक्ट किया जा रहा है उसी भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत ही बस्तर जो है हमारा बस्तर में एक टनल बनाया जा रहा है टनल मतलब ये कोई वो टनल नहीं है जिससे हम पाइपलाइन डाल करके वहां से स्लरी के माध्यम से हम अपना कोई आ, स्लरी के माध्यम से कोई हम अपना रॉ मटेरियल ट्रांसफर करने वाले हैं इस, इस टनल का का वो होगा काम ट्रैफिक को ट्रैफिक के लिए ही ये टनल बनाया जा रहा है ये फोर लेन टनल होगा दो लेन आने के लिए और दो लेन जाने के लिए इसका आंसर होगा बस्तर और ये बन रहा है आपका भारत माला प्रोजेक्ट के अंदर में ठीक है अगला क्वेश्चन व्हाट इज द लेंथ ऑफ टनल बीइंग बीइंग बिल्ड अंडर द भारत माला प्रोजेक्ट एट बस्तर तो आप देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट है बस्तर में जो भारत माला प्रोजेक्ट के तहत में टनल तन, बनाया जा रहा है उस उसकी लेंथ कितनी है उसकी लंबाई कितनी है इसका आंसर आपको देना है इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं डायरेक्ट है फैक्चुअल है अब ऐसा तो है नहीं कि अगर आपको ये नहीं पता है तो आप तुक्का मार सकते हैं लेकिन आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए इसका आंसर है 2.5 किलोमीटर ऑलमोस्ट लिख लीजिएगा क्योंकि अभी तक के जो आंकड़े आए हैं उसमें ऑलमोस्ट 2.5 किलोमीटर बोला जा रहा है तो इसका आंसर 2.5 ही लेना है आपको क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव ब्रेक द साइलेंस कैंपेन बाय गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ पुलिस डिपार्टमेंट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग हाल ही में पुलिस डिपार्टमेंट ने छत्तीसगढ़ में ब्रेक द साइलेंस नामक एक कैंपेन लॉन्च किया है आपको बताना है ये कैंपेन किस चीज से रिलेटेड है ऑप्शन नंबर ए ईव टीजिंग से है या ऑप्शन नंबर बी डोमेस्टिक वॉयलेंस से है ऑप्शन नंबर सी चाइल्ड लेबर से रिलेटेड है या फिर ऑप्शन नंबर डी बॉन्डेड लेबर से है ब्रेक द साइलेंस इसका आंसर हो जाएगा आपका डोमेस्टिक वॉयलेंस लॉकडाउन के टाइम पे आप लोगों को पता है जब सारे पति पत्नी एक साथ हो गए थे तो कहीं ना कहीं विवादों का जन्म हो रहा था उस समय पे ये विवाद ना केवल विवाद रहकर डोमेस्टिक वायलेंस का रूप लेते गए हैं जिसके लिए महिलाएं काफी आगे भी आई परंतु उन्होंने सिर्फ इंफॉर्मेशन पुलिस को दी कि हमारे साथ में डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है लेकिन बाद में जब लॉकडाउन वगैरह खत्म हो गया उसके बाद में जब उनको बुलाया गया कि आप आइए एफआईआर कीजिए हम आगे इस चीज को रोकने की कोशिश करेंगे ताकि जो आपके साथ में हुआ वो किसी और के साथ में ना हुआ उस समय पर महिलाएं पीछे हट गई हम बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की पर आज भी कहीं ना कहीं महिलाएं डरती हैं उसी डर को खत्म करने के लिए हमारे पुलिस डिपार्टमेंट ने ब्रेक द साइलेंस नामक ये कैंपेन लॉन्च किया था जो डोमेस्टिक से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं चेयरमैन ऑफ न्यूली फाउंड एम्प्लॉयमेंट मिशन ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट इश्यू चल रहा है आज के समय में क्योंकि आज के डेट में जो 22 से लेकर के 28 के एज ग्रुप के लोग हैं उनको दूसरी किसी चीज से कोई मतलब ही नहीं रह गया है उनको चाहिए सिर्फ और सिर्फ रोजगार तो उसी चीज को देखते हुए हमारी सरकार ने एक एम्प्लॉयमेंट मिशन का गठन किया है जो युद्ध स्तर पर काम करेगी और ये ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की कोशिश करेगी प्राथमिक क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र तृतीय क्षेत्र हर क्षेत्र में इसका जो चेयरमैन है वो भूपेश बघेल को बनाया गया है मैं आपको यह बता दूं कि ये सिर्फ भूपेश बघेल नहीं है आगामी अगर चुनावों में कोई और भी मुख्यमंत्री बनेंगे तो वो भी इस इस जो मिशन है एम्प्लॉयमेंट मिशन उसके हो जाएंगे चेयरमैन क्योंकि चीफ मिनिस्टर को इसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बनाया गया है ठीक है अगले क्वेश्चन में चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन अमर जवान ज्योति अमर जवान ज्योति का निर्माण कराया जा रहा है छत्तीसगढ़ में इसका निर्माण कहाँ कराया जा रहा है ये है आपका क्वेश्चन अमर जवान ज्योति आपको पता है राष्ट्रीय जो सेंट्रल लेवल है या बोलना चाहिए हमारे राष्ट्रीय लेवल पे अमर जवान ज्योति जो है वो उन्नीस के टाइम पे इंदिरा गांधी ने बनवाया था न्यू दिल्ली में है ना जिसे बाद में जा करके बाद में जाकर के शिफ्ट कर दिया गया था राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में तो उसी के तर्ज पर हमारे छत्तीसगढ़ में भी अमर जवान ज्योति जो है वो बनाया जा रहा है जहाँ पे जो हमारे वीर जो सोल्जर्स रहे हैं जो वीर हमारे सैनिक रहे हैं जिन्होंने अपने प्राण ने उछावर कर दिया ताकि हमारे जैसे मेरे जैसे और आपके जैसे लोग चैन से जी सकें आज जो हम चैन से घूमते हैं अलग अलग मुद्दों पे बात करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ है हमारे सोल्जर्स के कारण सिर्फ और सिर्फ है हम उन वीर सैनिकों के कारण जो अपने जान की कीमत लगा करके जान की बाजी लगा करके हमारी टेरिटरीज को डिफेंड करते हैं और हमारे यहां तो नक्सल की प्रॉब्लम भी है नक्सलवाद की वहां पे भी हमारे जो जवान है वो हर हर आए दिन वो अपनी जान गवा रहे हैं वहां पे उनके लिए अमर जवान ज्योति का गठन कर, निर्माण करने का निर्णय लिया गया है भूपेश बघेल सरकार द्वारा और ये लिया गया है रायपुर में ठीक है ये आपका रायपुर में बनाया जाएगा रायपुर में भी स्पेसिफिकली मैं आपको बताता हूं चौथी वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल माना रायपुर चौथी वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल माना रायपुर में इसका निर्माण कराया जाएगा और इसकी जो ज्योति होगी यहाँ पर एक दीपक स्थापित किया जाएगा जिसकी ज्योति अखंड तरीके से जलती रहेगी और ये प्रतीक होगा ये एक उन लोगों के लिए ऑनर होगा हमारे तरफ से जिनके कारण आप और हम आज फ्रीली घूम रहे हैं ये होता है हमारा आज का जो 25 से 30 क्वेश्चनों का हम हमारा ये जो सीरीज रहेगा ये जनरली हम इसमें 25 से 30 क्वेश्चन ही रखेंगे ताकि हम 25 से 30 क्वेश्चन कम क्वेश्चंस करें हॉलिस्टिकली करें और अच्छे से इसको कवरेज दे सकें ठीक है आज के लिए हमारा यहीं समाप्त होता है और जो कोई भी आप में से टेस्ट सीरीज को एनरोल करना चाहता है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के कॉन्टेक्ट हमसे कर सकता है चाहे चाहे टेलीग्राम के थ्रू हो चाहे आप कांटेक्ट करके हो चाहे आप वॉक इन करके हो जैसे भी हो आप हमारे यहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज़ का बेनिफिट ले सकते हैं फिफ्टीन हंड्रेड हमने इसकी फ़ीस रखी हुई है कोई बहुत ज़्यादा नहीं है नॉमिनल फ़ीस है और साथ में हम थोड़ा बहुत आपको गाइड भी करेंगे हमारे जो ऑलरेडी सेलेक्टेड जो स्टूडेंट्स हैं हमारे इंस्टीट्यूट से वो आपके आंसर शीट्स को चेक भी करेंगे और साथ साथ आपकी जहाँ कमियाँ हैं वो आपको बताते चलेंगे तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं थैंक यू